कैसा लगता है गढ़गंगे मेले में आके? बहुत अच्छा लगता है। तो आप कैसा, कितने साल से आ रहे हो? चौदह साल से कंटिन्यू आ रहे हो, हर साल आते भाई साहब। जब घर गढ़ता ना, हाँ जी हाँ जी, दर्द वही जानता है जो घर बनाता है। बहुत दुख होता है, पूछिए मत उस समय क्या स्थिति होती है। अब ये हो सकता है कि भाई घर बनाने में कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितनी चीजें लगती हैं, और उसको अपने हाथों से उजाड़ना ये बड़ा जटिल काम है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गंगा जी हर साल आते हैं, हाँ जी। हमने तो आज तक भैया ने ऐसा कैंप देखा ना सुना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी हैं ये, मतलब हमारे हिसाब से तो मेले में इनसे बढ़िया शानदार व्यवस्था ना किसी की होती और ना कोई करता। घर पे याद आती होगी डेरे की? बस पूछिए मत, उसको मैं बयान नहीं कर सकता, उस चीज को बयान ही नहीं कर सकता। ये बहुत हुआ है तो हाँ जी हाँ जी। तो भाई अभी अंदर से दिखाते हैं हम आपको थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पर बेड वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पर गद्दे वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। कई डेरा लगा हुआ है, तो ये कितनी जमीन में लगा हुआ है? ये करीब 27,700 कुछ मीटर जगह है। अच्छा भैया, लेकिन आज जिस रास्ते पर है मैं देख रहा हूँ कि इतनी मदिरा, इतनी दारू का प्रयोग मेरे युवा साथी कर रहे हैं, ये मेरे बच्चे जो कर रहे हैं, मुझे बहुत अंदर से पीड़ा है। मैं विनती करूँगा, बार बार विनती करूँगा कि ये आगे आने वाले समय में इसका मतलब रोक लगे। एक बार कोस्ट बता सकते हो इसके पूरे डेरे की, कितना लगभग बैठ गया? इसका कुछ नहीं, ये तो जितने लोग आएंगे, खाना बनना है खाना उनके लिए बनेगा, लेकिन पहले से ज़्यादा ही खर्चा होगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस अभी का टाइम की बात करूँ ना, फिलहाल अभी बच चुकी है आपके दोपहर के दो, और गाइस अभी का सीन क्या है ना, फिलहाल अभी मैं और मेरा भाई आ चुकी है अपने गढ़गंगे मेले में। और गाइस आज आपकी तारीख हो चुकी है 11 नवंबर। तो गाइस हम आपको गढ़गंगे मेले का सबसे महंगा, मतलब सबसे बड़ा विशाल डेरा दिखाने वाले हैं। मतलब जो हम दिखाने वाले हैं ना आपको भाई, आपको पूरे गढ़गंगे मेले में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा भाई। गढ़ की बात तो करो, तिगरी में भी नहीं मिल सकता ऐसा डेरा आपको, ठीक है। गाइस ये रहा आपके गढ़गंगे मेले का सबसे बड़ा और सबसे विशाल और सबसे महंगा डेरा। गाइस आपको पूरे गढ़गंगे मेले में और पूरे तिगरी मेले में भाई ऐसा डेरा कहीं भी नहीं दिखने का, कहीं भी। ये ना गाइस पिछली साल ही वायरल था और अब की साल ही वायरल है, तो एक काम करते गाइस इसके अंदर चलते और दिखाते हैं कितना ही विशाल डेरा है ना, ठीक है। और यहाँ की लोकेशन की बात करो, देखो गाइस इस तरह पे आपका बुलंदशहर और दिल्ली सेक्टर, और ये रहा अपने बिट्टू भैया का सिकेड वालों का डेरा। और गाइस ये रास्ता जो जा रहा है ना आपका, ये जा रहा है आपका मेरठ सेक्टर की तरफ, और सामने की तरफ पे आपका VIP घाट। तो एक काम करते हैं बिट्टू भैया से आपकी बात कराते हैं, इनका परिचय कराते हैं। भैया एक बार परिचय करा दो अपना। तो भैया नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो भैया? अच्छे हैं। तो भैया सबसे पहले अपना परिचय कराओ आप। मैं बिट्टू भैया की सिकेड़ा राय साहब। हाँ जी भैया। तो भैया एक चीज बताओ, आप सबसे पहले अपनी जो डेरा लगाया हुआ है, अपनी लोकेशन बताओ कहाँ पर मेले में लगाया हुआ है अपने गढ़गंगे मेले में? हमारा ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिला पंचायत होती है। हाँ जी भैया, कब के उसी के अंडर में, उसी की बाउंड्री वाली होती है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, पहले सांसद साहब का है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन का, विधायक जी का, जिला अध्यक्ष जी का। हाँ जी भैया, आगे फिर आगे में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन। हाँ जी वाले वगैरह लोग हैं। हाँ जी। तो भैया एक चीज बताओ, आप कितने साल से लगाते आ रहे हो ये? सन 2000 से 2000 से लगाते आ रहे हो आप? हर बार यूनिक लगाते हो, हर बार कुछ ना कुछ अलग मिलता है। नहीं यूनिक क्या है, जब प्रयास करते हैं जो अच्छा हो जाए वो ठीक। बिल्कुल भैया, भैया एक चीज बताओ, जैसे सब आते हैं देखते हैं, सब खुश होते हैं देख के मिलने आते, तो कैसा लगता है आपको? जब उनको अच्छा लगेगा हमको अच्छा लगेगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल। भैया एक बार ट्रस्ट का और बता दो, आपका बाबू ओंकार सिंह सेवा ट्रस्ट है, तो ये कब से चालू हुआ? और भैया ये हमारे बाबूजी ओंकार सिंह काबूजी हमारे होते थे, उन्हीं की स्मृति में हम इसका आयोजन कर रहे हैं। तो कितने साल से हो रहा है ये, शुरू कब से हुआ? सन 2000 से ही चल रहा है। सन 2000 से जी, जी। तो काफी टाइम हो गया आपको मेले में जी, जी। तो एक बार आप अंदर का टूर कराएंगे हमें? जी बिल्कुल। तो भैया कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद में? यहाँ सेवा करने में बहुत आनंद आता है, बसरते कि लोग अच्छे हों तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता होगा वैसे तो आपका? हमको 1.5 महीना लग जाता है पूरा कंटिन्यू इसी में। अच्छा, तैयारी करने में? तैयारी क्या, पहले तैयारी तो करनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो भैया सबसे पहले यहाँ टूर दो, आपने जो पार्क वगैरह बना रखा है, तो हर साल ऐसी बनता है ये? चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है, दोनों तरफ पार्क भी है। हाँ जी हाँ जी। अंदर में भी दोनों तरफ पार्क भी है, ठीक है भैया। और ये लगाए हुए हैं तिथि के फोटो जी जी, तो ये यहाँ पर सब आए हुए हैं? हाँ सब आके चले गए जी जी। तो भैया तो देखो लाइटिंग बहुत बढ़िया कर रही है, मैंने पिछले साल की वीडियो बनाई थी तो उससे तो भाई लाइटिंग देखो, लाइटिंग कितनी मस्त कर रखी है। और अभी ना हमने सामने से एंट्री करी है, और यहाँ पर देखो बगीचा, एक बगीचा ये रहा, और गाइस एक बगीचा ये रहा, यहाँ पर अपने झालर वगैरह लगा रखी है अपना, मस्त भाई एकदम लोकेशन है। भैया के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में भाई अपनी राय बताना जरूर। चल भी इसमें ठीक रहता है, चल भी ठीक रहता है, बिल्कुल
भाई अभी ना हमने सामने से मैन एंट्री करी है, जब आप सामने से ऐसे मैन एंट्री करोगे ना तो आपको ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा दिखेगा। ये देखो भाई स्पेस कितना बड़ा है यहाँ पर, यहाँ पर स्टेज लग रही है सामने और यहाँ पर सोफे वगैरह पड़े हुए हैं। भाई लोकेशन तो देखो मतलब यार एक नंबर लोकेशन है, और यहाँ पर भाई एक बगीचा ये बना रखा भैया ने, और गाइस एक बगीचा ये बना रखा भैया ने। भैया सबसे पहले आप एक चीज़ बताओ हमें, यहाँ की तैयारी कितने दिन पहले शुरू हो जाती है आने की? 45 दिन से ज़्यादा। आप ही कराते होगे सब चीज़ भैया? नहीं जब प्रथम, हाँ जी यहाँ पर शाम पता जब भूमि पूजन हुआ था तब से कंटिन्यू 25 तारीख में यहाँ जगह आवंटित हुई थी, उसके बाद में कंटिन्यू हुआ यहाँ पर। तो भैया जैसे जमीन लेते हैं तो कागज़ वो करनी पड़ती है, कॉफी डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो तो कैसे मिली थी? आसानी से मिल गई थी? नहीं नहीं आसानी क्या, वो हमको कोऑपरेट भी करता एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है, सभी अधिकारी हमको कोऑपरेट सपोर्ट रहता है आपको पहले से पूरा सहयोग करते हैं, पुराने सब लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और यहाँ के सभी जितना एडमिनिस्ट्रेशन है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, बहुत कोऑपरेट किया। और भैया आपका गांव किकेड़ा है तो वहाँ से सिखेड़ा सपोर्ट मिलता है? सिखेड़ा सपोर्ट मुझको इतना, शायद अपने गांव का किसी को शायद इतना सपोर्ट होगा, और मेरे गांव का विश्वास कीजिएगा, मेरे गांव का व्यक्ति अलग चीज़ है, मेरे गांव का कुत्ता भी मेरे सिर का ताज है। तो भैया एक चीज़ बताओ, जैसे गाँव वाले तो आते होंगे देखने के लिए तो बहुत खुश होते होंगे? नहीं बिल्कुल आए, आते जाते रहते होंगे? जी जी ठीक है भैया। आपका इतना वायरल है तो हर कोई मिलने आता, तो आपको कैसा लगता है? मुझको सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, सच्चाई है। आज भी हम थे तो आज बहुत सारे पब्लिक परिवार मिलने आए थे आपसे। जी जी लोग वीडियो देखकर आते हैं तो अच्छा लगता होगा मन में काफी? नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा है, हर साल की तरह बड़ा ही होता जा रहा है। भाई हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ट्रस्ट हमारा इससे भी बड़ा काम करेगा आगे। बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो भैया जो आपके डेरा लगा हुआ है तो ये कितनी जमीन में लगा हुआ है? ये करीब 27,700 कुछ मीटर जगह है। अच्छा भैया, अच्छा भैया। और जो आपका ये डेरा है इसमें कुछ खास है साल पिछली बार से? बहुत सी चेंजिंग है, वो आप इस वीडियो में बताओगे? तो पिछली बार तो थोड़ा कम था, इस बार ज़्यादा बड़ी जगह है जी, काफ़ी बड़ी। चलो तो भैया आप एक बार हम अंदर लेके चलो, अंदर बताओ कि आपके और क्या क्या है, परिवार से मिलाओ अपने एक बार। तो भाई अभी अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या मिलने वाला है देखने के लिए, ठीक है भाई? है जी, गंगा जी का राजा है। तो अंकल जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? तो हम तो गंगा जी हर साल आते हैं। हाँ जी, हमने तो आज तक भैया ने ऐसा कैंप देखा ना सुना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। त्यागी जी हैं ये, मतलब हमारे हिसाब से तो मेले में इनसे बढ़िया शानदार व्यवस्था ना किसी की होती और ना कोई करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोली एकदम। मतलब ये इतना अपने गंगे मैया के आशीर्वाद से, गंगे मैया इतना बढ़िया शौक से गंगा जी नहाते हैं और बहुत खर्चा करते हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाते हैं। आप लोग भी मतलब खूब प्रयास करोगे, नहीं मिलेगा पूरे मेले में, नहीं मिलेगा ऐसे शौक से गंगा जी नहाने वाला, इतना खर्चा करने वाला कोई नहीं मिलने, नहीं मिलेगा जी पूरे मेले में। घूम लिए राय साहब हैं, राय साहब की बात ही अलग है। हाँ जी हमने पूरे मेले में घूम लिया, काफी ज्यादा आकर्षित करता है लोग, आकर्षित नहीं ऐसे पूरे मेले में कोई है ही नहीं, है ही नहीं। गड़गंगे में क्या तिगरी में भी नहीं है, भैया तिगरी में भी नहीं है, ठीक है। और बाकी भाई अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो भैया जो आपने पेड़ पौधे अंदर भी लगा रखे हैं बाहर भी हैं, ठीक है भैया चलो फिर अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं भाई अंदर और क्या क्या मिलने वाला है। और अभी हमने सामने से मेन एंट्री करी है और यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस हुआ है भाई, और जो स्टेज यहाँ पर लग रही है, तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है गाइस। गैलरी बनी हुई है, रास्ते बने हुए सबका, इधर भी रास्ता अलग है, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, सारे कॉटेज के अलग अलग रास्ते हैं, सारे कॉटेज की व्यवस्था अलग अलग है, और इसमें ट्रस्ट के मेंबर्स हैं और गेस्ट हैं, फैमिली सब, नहीं फैमिली तो, भी है। हाँ तो उसमें मतलब कितने मेंबर होंगे इस पूरे डेरे में इस टाइम? अब इस समय जो होंगे, हाँ इस समय करीब यहाँ पर करीब मेरे ख्याल में 500 लोग से ऊपर तो बैक साइड में है। अच्छा, और वैसे की तरफ से उनकी व्यवस्था। और भैया जो आपकी टीम में मैम कितने काम कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब हमारी टीम में 50 लोग से ऊपर हैं, 50 लोग से ऊपर हैं आप, कितने आ सकते हैं इसमें पूरे डेरे में लोग? इसमें 2000 से ऊपर आ सकते हैं आराम से भाई, काफी बड़ा आंकड़ा है, काफी बड़ा स्पेस है भाई। चलो भैया आप अंदर आओ, मैं थोड़ा बताओ और तो गाइस आप देख सकते हो यार, अगर पसंद आ रहा तो भाई कमेंट कर देना भैया के लिए, और बाकी भाई भैया के लिए एक लाइक का बटन है ना वो जरूर कर दबा देना, और कमेंट बॉक्स में भाई अपनी राय बताना क्या बोलना चाहते हो आप डेरे के बारे में, ठीक है। और बाकी देखो भाई यहाँ पर भी कितने बड़े स्पेस है, यहाँ पर भी देखो डेरे लगाए हुए हैं सामने, ये सामने डेरे लगाए हुए हैं, और गाइस इधर भी बहुत सारे डेरे लगाए हुए हैं, ठीक है। और अभी सामने चलते फिर, चलो सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आइएगा हमारे ट्रस्ट की तरफ से 24 घंटे जब भी कोई आएगा, चाय नाश्ता खाने का सब कुछ मिलेगा, पूरी पूरी। चले भैया अंदर दिखाया,
लेकर आए हैं, सब कुछ वीडियो में दिखाए। और भाई आप ऊपर देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे शादी में लगाते हैं भाई, एंट्री बिल्कुल ऐसे लग रहा है शादी में जो एंट्री गेट रहता है ना सामने, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है। देखो ये रहा भाई। तो भाई भैया के साथ भैया वो भाभी जी भी। भाभी नमस्ते। भाभी नमस्ते। भाभी जी आपका नाम क्या है, सबसे पहले नाम बताओ। सालू त्यागी। तो भाभी जी कैसा लगता है गड़गंगे मेले में आके? बहुत अच्छा लगता है। तो आप कितने साल से आ रहे हो? 14 साल से कंटिन्यू आ रहे हो, हर साल आते हो, तो अच्छा लगता है काफी, है ना? तो घर जाने के बाद तो बहुत याद आती होगी वैसे, यहाँ की पूरी फैमिली आती होगी, है ना? ठीक है। तो जो आपने गौ माता रख रखी है, इनका कुछ नाम वाम भी रख रखा है? अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। उसी दिन पैदा हुआ था। तो चलो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बात है। तो भैया एक बार कुछ बताएंगे आप अपने गौ माता के बारे में एक बार? ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मालिक को ज्यादा प्यार करती है। देसी गाय है ना? देसी गाय है भाई, बिल्कुल देख लो। इसी का दूध पीते हैं, बच्चे भी इसी का दूध पीते हैं, इसीलिए इसको लाना पड़ा। बहुत बढ़िया। तो ये कितने, कौन सी तारीख को आ गई थी यहाँ पर? ये आई है 6 तारीख। 6 तारीख को आ गई थी ये। भी आपके साथ ही जाएंगे घर, है ना? साथ ही जब आप जाओगे। तो भाई देखो ना आप, तो भाई ये उद्देश्य है यहाँ पर गौ माता लाने का, जैसे आप देख सकते हो। और बाकी गाइस देखो, एक डेरा ये लगा हुआ सामने, और डेरे आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, और ना यहाँ पर काफी स्पेस है, मतलब यहाँ पर जो 2000 पब्लिक आराम से आ सकते, आराम से। तो देखो सब, मतलब जहाँ माई माता है भाई, वही पे आपके सामने गौ माता। और भाई यहाँ से सामने से हमने एंट्री, मैन एंट्री करी थी, ठीक है? और जो आपके कैंप लगे हुए हैं ना भाई, इस तरफ भी आपके कैंप लगे हुए हैं, और सामने देखो सामने की तरफ भी बहुत सारे तंबू लगे हुए हैं अपने, बढ़िया बढ़िया से। और अभी भैया से बात करते सामने, पूरे कैंप में दिखाना कौन सा खास है बिल्कुल, और आपका कौन सा, आप अपना जरूर बताना। सब इक्वल है, मेरा नॉर्मल है, सब इक्वल है, सबसे नॉर्मल आपका ही है। अरे यार देखो, भैया का ही सबसे नॉर्मल है। तो एक बार अंदर से देखते हैं कि यार हमें क्या कुछ देखने मिलता नया। तो भैया ये आपका वाला कैंप है? नहीं नहीं मेरा नहीं है। और है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है, सभी में इक्वल है। हाँ जी हाँ जी। तो भाई अभी अंदर से दिखाते हैं हम आपको थोड़ा सा, ठीक है? देखो यहाँ पर बेड वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पर गद्दे वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है? और भैया जो कोट वगैरह है वो आपके ही है सामने? अच्छा भाई, पूरा घर एकदम बढ़िया, बिल्कुल भाई अंदर से बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है अंदर से बिल्कुल। चलो तो फिर बाहर चलते हैं अभी यहाँ से, और बाहर का वो दिखाते हैं आप। तो भाई अभी बैक साइड में देखते हैं, बैक साइड में हमें क्या क्या मिलता है देखने के लिए, ठीक है? तो भैया जो बैक साइड में जो एरिया है वो भी आपका ही है सब? बैक साइड में एरिया अपना है, इसमें करीब 500 से 400 लोग अभी हमें रुके हुए हैं काम करने के लिए। काम करने के लिए नहीं है, ट्रस्ट की तरफ से सभी का खाना रहना सहना सभी का कराया। अच्छा भैया, अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। और बाकी जो आपके पानी टंकी वगैरह सब आपने लगवा रखी है ना? तो भैया जो इनमें पानी आ रहा है, फिर पानी कहाँ से आ रहा है? पानी समरसील करा, समरसील से करा आपने, करवाया है? हाँ बिल्कुल, अपना अपना जनरेटर चलता है, ठीक। ये है हमारा यहाँ मंदिर है, ये आपका यहाँ मंदिर है भाई, लड्डू गोपाल जी है, सभी लोग यहाँ आते हैं दर्शन करते हैं जो भी है। तो गाइस देखो ये रहा इनका मंदिर, और यहाँ पर देखो लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, अपना मस्त दर्शन कर लो आप लोग, मतलब जो भी यहाँ पर आता है ना तो वो अपने दर्शन वगैरह करके जाते हैं ना। वो आप लोग भी कमेंट कर भाई, ज्यादा करके दे दो कमेंट बॉक्स में, है ना भाई? काफी अच्छा डेकोरेशन कर रखी है मंदिर में, सामने ओम बनाया हुआ है, और सामने तरफ देखो फूल वगैरह लगा रखे है ना, ये भी काफी बड़ा मंदिर है मतलब, और काफी अच्छा मंदिर। भाई सामने आपका मंदिर था, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे, और जो ये वाला एरिया है ना, आप इतना बड़ा एरिया देख रहे हो गाइस, ये आपका डाइनिंग टेबल एरिया, मतलब अपना मस्त खाना पीना खा सकते हो आप। यहाँ गेस्ट रूम भी बनवा रखे हैं बिट्टू भैया, कहाँ पर है वो गेस्ट रूम जो बनवा रखे हैं आपने? गेस्ट रूम ही बने हुए। अच्छा ये सब गेस्ट रूम है, मतलब कोई मेहमान आए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सारी व्यवस्था मिलेंगी आपको यहाँ पे? व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था सही बताए सभी लोगों के लिए व्यवस्था पूरी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। बस मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन सबसे रहता है कि भाई साहब बिल्कुल इसको पिकनिक पॉइंट ना बनाए, बिल्कुल बिल्कुल धार्मिक धार्मिक वो है तो धार्मिक रखे, बहुत अच्छी बात है। ये इधर से एक्सिट हो जाएंगे, है ना? अच्छा गैर लिए इधर से, अच्छा अच्छा अच्छा, किचन के लिए रास्ता जा रहा है आपका, ठीक है ठीक है। और ये जो आपने जो बनाए हुए हैं, ये जो कैंप लगे हुए हैं, ये किन के लिए हैं? ये सब जो श्रद्धालु आएंगे उन्हीं के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब भाई ट्रस्ट की तरफ से ये कैंप। तो भाई स्पेस यहाँ पर काफी स्पेस है, ये देखो भाई आगे चल के
तो भाई ये देखो, इसलिए लगता है कि मिट्टी में कोई नहीं चलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कारपेट जो लगा रखी है। तो भाई देखो ये रही किचन, भाई रसोई भी देखो काफी बड़ी है। किचन में कोई नहीं जाएगा। ये देखो भाई साहब किचन कितनी बड़ी है इनकी, यहाँ पर देखो एक बार और अभी दिखाते हैं यहाँ पर, देखो क्या क्या तैयारी चल रही है, क्या क्या बनने वाला है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें रहती है। देखो पूरा ये देखो भाई कितना बड़ा एरिया है, ये भी ना गाइस काफी बड़ा एरिया है, काफी बड़ा एरिया ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है सामने, ये देखो एक बार सब सामान रखा हुआ है, भैया लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं खाने पीने की ठीक है। आलू मटर कुछ, आलू टमाटर बनने हैं, आलू टमाटर बनने हैं, दाल बननी है, दाल बननी है, आलू मटर हैं, आलू मटर है। हाँ जी, अरे वो है क्या नाम है तुम्हारे, वो क्या नाम है, मटर मखाना है। अच्छा भैया, और सुबह क्या था? सुबह नाश्ते में आलू की पकौड़ी थी, क्या नाम है, सैंडविच थे, क्या नाम है तुम्हारा, वो पोहा था, और आपका एक चीज़ होती क्या नाम है, काफी आइटम थे, यानी कि चार पांच आइटम थे। तो आप यहाँ पर सेवा कर रहे हो तो कैसा लग रहा है आपको ये बताओ? बढ़िया लग रहा है, एकदम मन लग रहा है पूरा, बिल्कुल बेहतरीन ठीक है। अच्छा भैया, और बिट्टू भैया के बारे में दो शब्द बोलो जरा। ये आप हमारे बहुत बड़े मित्र आदमी है, इनकी सेवा करते रहते हैं हम हर बार, साल में हर साल आते हो आप, अच्छा लगता है आपको है ना, भैया के पास ही आते हो, इनके पास ही काम करने आते हैं। तो भाई ये प्यार है भैया के लिए देखो, और भैया आपसे भी जानेंगे एक बार, भैया आप भी कहना चाहोगे? आप भी हर साल आते हो भैया, तो अच्छा लगता है यहाँ के हैं बिल्कुल है। चलो भैया, जो ये है ये हर दिन चेंज हो जाएगा क्या खाना मेन्यू? अच्छा अलग मेन्यू रहता है सुबह शाम, बिल्कुल अलग रहेगा ना, क्योंकि उतना ही बनता है भोजन, कभी भी बर्बाद नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल बनता है, इतना बनता है, और रिफाइंड हमारे यहाँ मिलेगा नहीं, घी का काम, देसी घी, देसी घी से सरसों का तेल। यार यही बात है भाई, देखो देसी की भाई पूरी पहचान, बाकी देख लिया आपने किचन कितना ज़्यादा बड़ा है, तो अभी हम लेकर चलते हैं भाई आपको उधर की तरफ, तो चाहे तो 24 घंटे चलती है। हाँ, कोई भी आ जाए, कोई भी आइएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले पानी मिलेगा उसके बाद चाय मिलेगी। आने समय आ रहा तो आपके लिए खाना भी है। तो ये देखो भाई ये सब ट्रस्ट की तरफ से ही है, यहाँ पे भाई रह सकते हो, तो अभी वहाँ की तरफ चलते हैं, और बाकी भाई अभी थोड़े बहुत सवाल जवाब और भी करेंगे, तो अभी तो आपको ये दिखाते हैं। तो ये आपकी पूरी गैलरी है कि यहाँ से रास्ता है पूरा बाहर जाने का भी? हाँ नहीं, यहाँ पर एक और बनाया हुआ है। हाँ जी, ये भी डाइनिंग है। तो ये क्या रहेगा, तबड़ा स्पेस, ये डाइनिंग एरिया है, ये खाने पीने का है, इसलिए कि अभी जब ज्यादा गैदरिंग आती है। हाँ जी हाँ जी, इसके लिए ये पूरा उसके लिए रहेगा। भाई ये देखो यार इतना ही बड़ा स्पेस भाई केवल डाइनिंग के लिए, देख सकते हो काफी बड़ा स्पेस है भाई, चेयर भी ले भाई, टेबल भी भाई, बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा। तो इतना स्पेस आपको बिट्टू भैया के यहाँ पर ही मिलेगा सिर्फ, और कहीं नहीं। तो अभी चलते हैं गाइस, इतना था बाहर चलते हैं अब। और बाकी देखो भाई अभी बाहर की तरफ आ चुके हैं हम, बाकी देख लो भाई लोकेशन कितनी अच्छी है, मतलब जो डेकोरेशन वगैरह है ना उस पर ही बहुत ध्यान दिया हुआ है भाई डेकोरेशन पे ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पर सामने झल्लर लगाई हुई है, मतलब भाई आप लोगों को कमेंट में कैसा लगा डेरा कमेंट करके जरूर बताना, और भैया के लिए एक लाइक का जो सब्सक्राइब बटन है ना तो भाई वो भी जरूर दबा देना ठीक है। भाई दीपांशु भाई कैसा लगा तुम्हें ये बताओ? बहुत बढ़िया लगा भाई, तुम क्या कहना चाहोगे? भाई बढ़िया था एकदम, बहुत बढ़िया है ना भाई, मतलब भाई पूरे गढ़ के मेले में, पूरे तिगरी मेले में, मतलब भाई कहीं भी ऐसा डेरा देखा ही नहीं होगा है ना किसी ने, भाई अभी तक तो किसी ने देखो देखा ही नहीं है, आगे के बता नहीं सकते हैं ना। और बाकी जो अपने बिट्टू भैया है उनकी भी काफी अच्छी आदत है भाई है ना, कोई भी आ जाए पानी चाय खाना, मतलब भाई सब व्यवस्था मिलेगी आपको 24 घंटे, आप कभी भी आ जाओ भैया में कोई वो वाली बात नहीं है कि आप ये अपनाया पराया, भाई सब समान है ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। और भाई कैसा लग रहा है यहाँ पर आके बताओ? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, सब आओ भाई, ये कहना चाहूंगा मैं भाई, हम तो ये बोल रहे हैं हमारा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी अच्छी व्यवस्था है भाई यहाँ पर, हर चीज की व्यवस्था है ठीक है। ये देखो कितना अच्छा सुंदर पार्क बनाया हुआ है बाहर की तरफ, क्या भाई क्या बोल रहे हो? अंकल जी बोल रहे हैं, तो भाई अंकल जी से बात करने चल रहे हैं सामने, अंकल जी के दो वर्ड सुन रहे हैं। तो आपका नाम क्या है अंकल जी, नाम बताओ सबसे पहले? विजेंद्र सिंह राजौरा। तो आप कहाँ से हो फिर? मैं बेसिक जन्म स्थान बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में सिदारपुर ब्लॉक के अंदर हजरतपुर विलेज है। हाँ जी हाँ जी। और मैं 78 से बैठे गाजियाबाद रह रहा हूँ। हाँ जी। और अपने जीवन के सब पड़ाव मैंने पार कर लिए अपनी लाइफ में बढ़िया। हाँ जी। एजुकेशन टाइम पर अच्छी एजुकेशन दी बैठे जी जी। मैंने उस दौर का M.Com CA हूँ अपने आप में। अच्छा अच्छा। तो गाजियाबाद की प्रथम यूनिट का मैं GM रहा हूँ 10 वर्ष। हाँ जी। टेलीकॉम सेक्टर में मैंने बहुत लंबे वर्क किए। हाँ जी। लेकर के गाजियाबाद से पोर्ट ब्लेयर तक के मेरे वर्क हुए हैं। काफी बड़ा एक्सपीरियंस आपको भी। तो आप ये बताओ मेले में कितने साल से आ रहे हो आप? मेला बेटे जाटों का ये बहुत बड़ा
मेला है जो सदियों से चला आ रहा है। हाँ जी, तो अंकल जी आप कितने साल से आ रहे हो? मैं बेटे आ रहा हूँ करीब करीब 20 साल से आ रहा हूँ। 20 साल से कंटिन्यू आ रहे हो, हर साल आते हो आप? डे बाई डे बेटे जो मैं देख रहा हूँ ना मेले के अंदर, जो हमारी युवा पीढ़ी है, क्योंकि हमारी मार्शल को हमें जा, हाँ जी, मैं हम अपनी कौम पे इतना गर्व करते हैं, जिस कौम में हम पैदा हुए हैं बेटे, बहुत ज्यादा गर्व करते हैं, हम भी उनमें से ही हैं। हाँ जी, लेकिन आज हमारी युवा जो पीढ़ी है जिस रास्ते पे चल पड़ी है उसे लेकर के बहुत अंदर से दुखी हुई, जागरूकता के लिए, नशे के लिए नहीं है बने हम बेटे, हम बिल्कुल आसमान को फाड़ने वाले, जमीन की सीमाओं को रक्षा करने वाले, प्लस हर क्षेत्र के अंदर, बिल्कुल सही बात है आपकी, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र है, हमसे बचा नहीं है, हम सूझबूझ के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं बेटे, और उसमें कहीं पर किसी टाइप से हम पर अंकुश नहीं लगता है, हमारी कौम मार्शल कौम है, बिल्कुल। लेकिन आज कौम के युवा पीढ़ी को इस तरह से नशे में लिप्त, ये ट्रैक्टरों की चलाते हैं, ये खेतों के लिए थी सुविधा हमारे लिए, हम बैलों से खेती करके पैदा हुए, बिल्कुल। आज ये जो सुविधाएं हमें मिली ट्रैक्टरों की, ये इसलिए नहीं मिली थी कि इन पर कॉस्टली मॉडिफाइड डीजे लगा करके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा पैसे का खर्च करके बुजुर्गों की कमाई हुई, जो हमारी मतलब बहुत बेहद कीमती संपत्ति है, उसका यहाँ पे दुरुपयोग देख रहा हूँ, तो अंदर से व्यथित हूँ। और मैं अपने बुद्धिजीवियों से, जो मेरे समाज के मेरे वरिष्ठ लोग हैं, उन सबसे मैं विनती करता हूँ कि इस पे अंकुश लगाएं और बच्चों को देखरेख में रखें और इस एनर्जी को सही दिशा में मोड़ें। बिल्कुल सही बात है आपकी, हमारी बहुत गलत जा रही है, और मैं डे बाई डे हर वर्ष में देखता जा रहा हूँ कि ये बढ़ता जा रहा है, ये पतन की तरफ चलते जा रहा है हमारा युवा पीढ़ी, जबकि इतनी अंदर एनर्जी होती है हमारी कौम के अंदर कि हम किसी को किसी फील्ड में कभी भी नहीं गिदानते हैं, और उस फील्ड आज इस फील्ड को देख करके, जो यहाँ पर डीजे के ऊपर डांस और भंगड़ा डांस और ये डीजे हर ट्रैक्टर के ऊपर डीजे लगा हुआ है, इसे देख करके मन इतना व्यथित है बेटे, बहुत ज़्यादा व्यथित है, क्योंकि मैं भी इसी मार्शल कौम से बिलोंग करता हूँ, और हमारी कौम पर हम इतना गर्व करते हैं जितना तुम सोच नहीं सकते, और वाकई कौम भी हमारी इस लायक है, लेकिन हमारा मार्गदर्शन जो है ना अपनी युवा पीढ़ी के प्रति अब ज़्यादा बढ़िया नहीं रह रहा है, क्योंकि हम जितने बुजुर्ग लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, समर्थ लोग हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारा 15 दिन का एंजॉयमेंट का मेला हुआ करता था, क्योंकि 15 दिन खेतीबाड़ी से मुक्ति मिलती थी, तो कम से कम 10-5 जिलों के जो लोग हैं हम जुड़ जाते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंध बनाना, एक दूसरे के मतलब क्रय विक्रय के काम कर लेना, लेकिन आज जिस रास्ते पर है मैं देख रहा हूँ कि इतनी मदिरा, इतनी दारू का प्रयोग मेरे युवा साथी कर रहे हैं, ये मेरे बच्चे जो कर रहे हैं, मुझे बहुत अंदर से पीड़ा है, मैं विनती करूँगा, बार बार विनती करूँगा कि ये आगे आने वाले समय में इसका मतलब रोक लगे, और पुलिस प्रशासन से मैं विनती करता हूँ कि इसमें इस तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जावे कि जो इस पर अंकुश लगाने में समर्थ हो। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत बड़ी बात बोली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे अधिकारी भी कहीं ना कहीं लिप्त हो जाते हैं, तो वो भी अनदेखी कर जाते हैं, जिससे इन बच्चों को बढ़ावा मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस बढ़ावे को रोकने के लिए मैं तो यही कर सकता हूँ कि अपने अनुभव के, जीवन के अनुभव के आधार पर, हमने पूरा जीवन मेहनत करके, पढ़ाई करके देश के प्रति हमने दे दिया है, और हम आज की पीढ़ी को भी चाहते हैं कि ये हमारी मार्शल कौम बहुत आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात है अंकल जी, आपके बेटे माध्यम से मतलब मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपनी कौम के लिए, क्योंकि हमारा जाटों का ही मेला है, 80% से 90% तक मतलब कभी रहता था, अब 80% हमारे इसमें जाट और जाट मर गया हमारा, और उसको देख करके आज अंदर से मतलब बहुत आत्मा बहुत दुखी, बस यही आपसे विनती करता हूँ, इस मैसेज को मेरे को मेरे मतलब बुद्धिजीवी लोगों तक ज्यादा ज्यादा किसे पास कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या और कुछ कहना चाहोगे मेले के बारे में आपको? मेला अच्छा क्या लगा है? मेला तो अच्छा ही है और अच्छा ही रहेगा, लेकिन हम थोड़े से अपनी जो क्रियान्वित जो हमारे यहाँ माध्यम से जो हो रहा है यहाँ पे, इस पर थोड़ा सा अंकुश लगा के और प्यार पूर्वक इसको निर्वाह करें, और एक दूसरे से मैत्री भाव से जुड़े, सालों की दुश्मनी को निपटाने के लिए लोग हमारी बिरादरी के लोग यहाँ पर आके इकट्ठे होते हैं, फिर एक दूसरे को काउंटर करते हैं, ये बहुत बड़ा हमारी बिरादरी का पतन का कारण बन सकता है आने वाले समय में। अंकल जी यहाँ पर जो है कितने जिले के आते हैं? यहाँ पर जिले के 7-8 जिलों की बेटे यहाँ पर जनता होती है, जो पारिवारिक रूप से आया करती थी पहले, अब हमारे पारिवारिक रूप से आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे जैसे महिलाएं हैं, अब बहुत कम हो गई हैं, मतलब 20% भी मैं नहीं मानता कि हमारे बच्चे यहाँ पे महिलाओं के रूप में सेफ हैं। सेफ अंकल जी, और बिट्टू भैया के कैंप के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिट्टू बेटा ये जो ऐसा है भी यहाँ पे जो सिखेड़ा के बिट्टू त्यागी जी हैं, इन्होंने अपने आप को मतलब अनुसार, इनके फादर बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन है, हमारे साथी हैं वो, उनके आधार पर उन्होंने बच्चे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि जब से भी 2000 के आसपास से मेले मतलब आ रहे हैं, आजी, आजी, आजी। तो इन्होंने मतलब डे बाई डे अपने आप में इम्प्रूव किया है, एक मैसेज साल बढ़ा है, बिल्कुल एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि बिल्कुल से भी मेला हो सकता हर साल है, अगर आप चाहो तो ये भी एक रूप हो सकता है, अपनी एनर्जी को आप इस रास्ते पर भी ला सकते हो, तो ये बहुत बड़ा
उदाहरण है हमारे लिए बिट्टू भैया। बिल्कुल बिल्कुल, बिट्टू भैया कोई ट्रैक्टर गाड़ी का कोई शौक नहीं करते, शौक है नहीं है, लेकिन दिखाते नहीं, अंदर से दिखावा किस चीज का करना, दिखावा नहीं करते, क्योंकि ये हमारे साधन बने हैं। हम पहले बुग्गियों से आया करते थे, अब हम ट्रैक्टरों से आ जाते हैं, और भी आगे आने वाले समय में और हमारे साधन और उत्तम हो सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने आप को सही रास्ते पर लाएं। बिल्कुल सही बात है, जुड़े रहे जमीन से, यही है बेटे, मतलब इस चीज को आप मैक्सिमम वायरल करो, और उन बुद्धिजीवी लोगों पे प्रशासनिक लोगों को भी पहुंचाओ। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासनिक लोग ही इसमें एक्शन लेंगे तो ये मेला जो है बहुत उत्तम मेला है। ये तो हमारी सदियों से चली आ रही मतलब परंपरा का एक प्रतीक है। चलो बिल्कुल सही अंकल जी, भाई बहुत अच्छा लगा अंकल जी से बात करके, एकदम बहुत धन्यवाद आपका भी, अपना कीमती समय लेकर के आए। तो अंकल जी एक चीज और बता दीजिए, आप इस डेरे के बारे में क्या कहना चाहोगे, आपको अच्छा लगा ना? बिल्कुल बहुत अच्छा है, और ये आने वाले समय के लिए भी अच्छा रहेगा, बस अर्थ है ये थोड़ी सी जो हमारी थोड़ा सा हम लोग सुधार ले। हाँ जी बिल्कुल, मेले का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है अंकल जी, बहुत अच्छा मेला है, ठीक है, हर हर गंगे, मतलब ये मतलब जो मान के चलो हमारी एनर्जी का प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साल भर में एक बार त्योहार आता है, अपना अच्छे से अच्छे से मनाओ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, और इस बेटा है बिट्टू त्यागी है इनका नाम, ये बेटा बोलो, इसके माध्यम से मैसेज जाता है कि आप अपनी एनर्जी को इस रूप में दिखा सकते हो। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे देखते हो डे बाई डे, 2000 से बेटा यहाँ पे आ रहा है, हर मतलब हर साल इसने प्रयास वो किया है उत्तम से उत्तम अपने, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश की। बिल्कुल अंकल जी, ये भाई सभी बिट्टू त्यागी नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं, कोशिश सब कर सकते हैं, प्रयास सब कर सकते हैं, कर रहे हैं। हाँ जी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये चीज गलत है, बहुत ये चीज बहुत गलत है, जागरूकता की जरूरत है बहुत। ठीक है बेटे, इसको प्रशासनिक लोगों को पहुंचाओ, पुलिस मतलब प्रशासनिक के साथ साथ जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है उनको भी मैसेज दो। ठीक है जी, अपने बच्चों पे अपना थोड़ा सा अंकुश रखें और इस एनर्जी को अच्छे तरफ लेकर जा सकते। ठीक है जी, हमारी मार्शल कॉम है, कोई कम नहीं है हमारी कॉम, हमें बहुत गर्व है अपनी कॉम का। बिल्कुल अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे आप, थैंक यू अंकल। तो भैया जी, आप सबसे पहले ये बताइए आप कब तक रहने वाले हो अभी यहाँ पे? यहाँ पर हम 17 तारीख में हमारा यहाँ सामान 17 में यहाँ से 15 तक मेला है, 17 में आपका 15 में जाएगी भाई साहब, जब घर गढ़ता ना। हाँ जी हाँ जी, दर्द वही जानता है जो घर बनाता है, बहुत दुख होता है, पूछिए मत उस समय क्या स्थिति होती है। अब ये हो सकता है कि भाई घर बनाने में कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितनी चीजें लगती हैं, और उसको अपने हाथों से जुड़ाना ये बड़ा जटिल काम है। आपने शुरू से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपने शुरू से देखा जमीन करते हुए बिल्कुल सही, उसके बाद एक से फट जाए सब चीज, किस बुरा लगता होगा, सब चीज देखी, घर पे याद आती होगी डेरे की, बस पूछिए मत, उसको मैं बयां नहीं कर सकता, उस चीज को बयां ही नहीं कर सकता। अरे ये बहुत हुआ है, तो आप एक बार कॉस्ट बता सकते हो इसके पूरे डेरे की, कितना लगभग बैठ गया इस बार? इसका कुछ नहीं, ये तो जितने लोग आएंगे, खाना बनना है खाना उनके लिए बनेगा, लेकिन पहले से ज़्यादा ही खर्चा होगा। ट्रस्ट के बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों की सेवा करनी पड़ती है, उनका रहने का खाने का सब व्यवस्थाएँ करनी पड़ती है, जगह की व्यवस्था करनी पड़ती है, टेंट कम पड़ेंगे और भी लगा के देने पड़ेंगे, टेंट डीजल जनरेटर बहुत सारी चीज़ें हैं, 25 किलोवाट जनरेटर पूरा चलता ही रहता है, तो मतलब दोगुना खर्चा होगा पिछली बार से, तो ये मान लो काफी हो गया क्योंकि गैदरिंग ज्यादा काफी हो जाएगा, काफी हो गया, इस बार स्पेस भी ज्यादा लिया था। तो आपने औरों के डेरे देखे, तो आप कुछ कहना चाहोगे औरों के लिए भी? भाई साहब मेरे तो ये भी प्रार्थना है औरों के, और बहुत लोग अच्छे लोग हैं, हमसे बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, हम कहीं नहीं है, मैं नथिंग मतलब, हम तो माइनर भी नहीं है, हम तो बैक बेंचर वाले लोग हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग कभी इक्वल नहीं होते हैं, ये तो 0.2% भी लोग वैसे नहीं होते हैं, सही बताएं हम आपको, किसी गाँव का रेशो ले लो, किसी सिटी का ले लो, तो जब यही नहीं जिल पाने, इसका रेशो बढ़ जाए तो फिर वो गलत चीज़ है। भैया एक चीज़ और पूछनी थी मुझे, जैसे आप लोग लाते हैं ट्रैक्टर लाते हैं गाड़ी लाते हैं, पर आप नहीं लेकर आते हो सामान्य तरीके से, डाउन टू अर्थ रहो हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल दिखावा नहीं करो, ज्यादा और सब ट्रैक्टर लाइन से लगाते हैं, दिखावा करना है तो किसी का दिखावा, बिल्कुल सच्चाई है, यहाँ से दुनिया से जाना है, ये बॉडी भी खाली का बर्तन है, इसका करना क्या है, खाली है खाली जाना है, जाना ही है सब, कुछ नहीं है, सेवा करो ना, सेवा करिएगा, दो चार जो भी होंगे उस समय के लोग होंगे वो याद कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार अपनी गाड़ी कलेक्शन बताओगे वीडियो के माध्यम से? पता गाड़ी का कलेक्शन मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास छोटी राइगुंटी गाड़ी है फिलहाल, एस्कोडा सुपर। अरे भैया ट्रैक्टर हमारे पास में टेम्पो ऑक्स है। अच्छा, और बाइक वगैरह में? बाइक छोटी बाइक हम ज्यादा नहीं मतलब। अच्छा अच्छा, मतलब दिखावा नहीं है जो है, मतलब जैसे साथ एकदम, तो भाई वो साथ याद है तो बिट्टू भैया एकदम, जैसे आप देख सकते हो भाई बिल्कुल, लोग भी सेवा करने में, बाकी हमारा कोई शौक नहीं है, सबसे बड़ा क्रम तो सेवा है, सेवा करो सब कुछ मिलेगा। दुख की बात यह है, जिस दिन 14 तारीख है आपका दीपदान होगा, हाँ जी हाँ जी, उस समय यहाँ की स्थिति क्या होगी, कोई व्यक्ति हो तो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दिए लगते परिवार के ऐसे ऐसे लोग गए हैं कि जहाँ पर घर के चिराग बुझ गए,
बिल्कुल दान होता है तो आंसू की धारा बह रही होती है लोगों से, उस समय उनसे पूछने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बिल्कुल सही बात, रहने सहने की व्यवस्था भी हो जाए भाई, बहुत दूर से लोग आते हैं, नहीं भी वापसी लोग जब आते हैं। ये बात बोली आपने बिल्कुल बढ़िया। फिर तो एक आप यहाँ रात का माहौल क्या रहता है वैसे यहाँ का, रात को 12 के बाद मतलब लोग सोते हैं या नहीं सोते? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सोते हैं 12-1 तो बजी जाता है, 1 बजे तक हलचल रहते हैं। बिल्कुल नहीं, लोग आते हैं मिलते हैं, आते मिलने भी रहता है। हाँ लोग रुकने की, रात भी लोग मेरठ के और यहाँ बहादुरगढ़ के लोग थे और भी, तो लोग रुके थे रात में भी, तो व्यस्त रहता है पूरा दिन मिलने जुलने में ही। तो और भी बहुत सारी चीज़ें भाई, तो भैया अलग यार, तो भैया ने बताया था अपने डेरे के बारे में यार। तो अगर तो भैया एक क्वेश्चन और पूछना है बस, आप ये बताइए गढ़गंगा मेला बड़ा रहता है या तिगरी मेला बड़ा रहता है? गढ़गंगा मेला हमेशा बड़ा रहेगा, इस बार तिगरी काफी ज्यादा चर्चे में है। नहीं नहीं, तिगरी की लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा इसलिए क्योंकि गंगा का कटान इधर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक कमी चल रही है, वो या तो शासन तक नहीं पहुँच पा रही है बात। हाँ जी, क्योंकि उधर में पत्थर गिरा टक्कर बनी थी। हाँ जी हाँ जी, तो यदि इधर हो जाएगी तो 2.5 किलोमीटर मेला कम से कम उधर चला जाएगा, गढ़ की तरफ कटान हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए इसकी दशा जो है मैं कहूँगा कि बिगड़ रही है, क्योंकि इसका इसमें जो लेंथ इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है भैया, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम है। तो भैया आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद टाइम देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। समस्त लोग आएंगे, श्रद्धालु अच्छा लगेगा। ठीक है, और साथ आए और वहाँ की हम भी दुआ करेंगे भगवान से, हर साल आप भी ऐसी आते रहो, हम भी ऐसे आते रहे। ठीक है भैया।